टिहरी के चंबा थाने के पास एक भयंकर लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होने के कारण एक खड़ी कार में बैठी दो महिलाएं और एक 4 महीने के बच्चे की मलबे में दबने से मौत हो गई। साथ ही भारी चट्टान और मलबा आने से लगभग 10 गाड़ियां भी दब गई। हादसा सोमवार को दोपहर 1 बजे चंबा थाना के पास टैक्सी स्टैंड पर हुआ, जहां टैक्सी स्टैंड का ऊपर का पहाड़ अचानक से नीचे खड़े वाहनों पर गिर गया। पहाड़ से भारी मलबे के नीचे लगभग 10 वाहन दब गए। मलबे के नीचे कंडीसौड़ निवासी सुमन खंडूड़ी की कार भी दब गई, जिसमें सुमन की पत्नी पूनम, सुमन की दीदी सरस्वती और सुमन का 4 महीने का बच्चा था, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। चंबा में आज करीबन 1 से 1.5 बजे के बीच में एक लैंडस्लाइड आई थी, काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड आई थी और उसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि नीचे कुछ गाड़ियां हैं, तो उसके लिए त्वरित गति से हमने सर्च अभियान चलाया जो अभी भी गतिमान है। और हमें अभी 3 बॉडीज रिकवर करी हैं, 2 महिलाओं की हैं, बच्चे की है, और उनको हमने आगे भेजा है। और अभी भी काफ़ी मलबा यहाँ पर जमा है। हमारी मशीन्स लगातार 6 JCB यहाँ पर काम कर रही है और SDRF पुलिस आदि सभी लोग कार्य कर रहे हैं। तो जैसे भी आगे होगा हम लोग पूरा मलबा जब तक साफ नहीं होगा यहाँ पर कार्य करते रहेंगे। और बाकी जो सभी लोगों को हमने यहाँ पर जो आसपास के घर हैं और जो लोग रह रहे हैं उनको भी सचेत किया है, उनको भी हमने दूसरी जगह जाने के लिए निर्देशित कर दिया है। लैंडस्लाइड के बाद कई मकान भी खतरे की जद में आ गए। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। भूस्खलन होने से चंबा नई टिहरी रोड भी बंद हो गई। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के आसपास मकानों से स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से संदीप बेलवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।